उत्तराखंड लोक सेवा आयोग UKPSC ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसको जो ऑनलाइन फॉर्म करना फिल करना है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं और इनको फिल करने की जो आपकी लास्ट डेट है वो है आपकी 3 अप्रैल 2024 है। मतलब 3 अप्रैल तक आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है PSC.UK.GOV.IN पर जाके इसको भर सकते हैं। और अगर आपने 3 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की और जो फीस है एप्लीकेशन फीस है उसको फिल करने की मतलब। और अगर आपका फॉर्म में कोई करेक्शन करना है, कोई आपने गलत इन्फॉर्मेशन भर दी है, तो वो 9 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में आप कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है इसमें। आप ये डिफरेंट इसके जो है आपके कुछ रूल्स वगैरह दिए हैं, इनको आप ज़रूर पढ़ लेना जब भी आप फॉर्म फिल करने जाओगे। तो ये आपकी वैकेंसीज़ हैं। सबसे पहले जो है आपकी डिप्टी कलेक्टर जो कार्मिक एवं सतर्कता विभाग है उसमें निकली है। उत्तराखंड महिला की जो है आप देखोगे तो इसमें टोटल 9 पोस्ट हैं और ये इसमें आपका कैटेगरी वाइज डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। पुलिस उपाधीक्षक गृहवी का विभाग निकली है। जिला कमांडेंट जो है होमगार्ड्स की पोस्ट निकली है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की पोस्ट निकली है। जिला पंचायत राज अधिकारी जो होते हैं उनकी भी आपकी एक पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। कार्य अधिकारी जिला पंचायत में पोस्ट एडवर्टाइज हुई है, जबकि जो जिला ग्राम उद्योग अधिकारी है उसकी भी जो है पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। उसके अलावा उप शिक्षा अधिकारी जो है, परिवहन जो परिवीक्षा अधिकारी है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में, वित्त अधिकारी जो होते हैं जो कोषाधिकारी हैं वित्त विभाग में, सहायक आयुक्त राज्य कर विभाग अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त जो है, ये जो है टोटल 189 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इनके लिए जो आपकी इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी क्या है, यहाँ पे आप देखोगे इसमें ग्रेजुएशन यहाँ पे परास्नातक की उपाधि है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। और जो परिवीक्षा अधिकारी है उसमें आपके इन्होंने यहाँ पे दिया है कि आपकी स्नातकोत्तर की उपाधि है, ठीक है, जो आपकी MSc आपने की हो MA किया हो वो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और यहाँ पे देखोगे आपके जो जिला कमांडेंट है वो उसमें भी जो अधिमानी अर्हता है वो इन्होंने दी है, मतलब कि जो ऊपर है वो आपकी क्या है अनिवार्य अर्हता है, यानी कंपलसरी जो है वो ये वाली है और ये अधिमानी है कि इनका आपको लाभ मिलेगा, तो ये ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा। इसमें जो है आपका शारीरिक मापदंड भी इन्होंने दिया है कि कितना कितना होना चाहिए पुरुष अभ्यर्थी के केस में, महिला अभ्यर्थी के केस में, ठीक है, ये सीने की माप केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। शारीरिक वजन जो है केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है कि मिनिमम 45 kg आपका वेट होना चाहिए अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो। और ये इसमें वो दिया है आपका जो जिला कमांडेंट है होमगार्ड से उनके पद के लिए कि आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है, वो सारे जो है ये मतलब फिजिकल मापदंड दिए गए हैं वो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा आप जिस भी कैटेगरी में फॉर्म अपना फिल करना चाहते हैं। फीस आप एक बार देख लीजिए कि ये जो अगर आपके अनरिजर्व कैटेगरी है तो आपकी टोटल 172 रुपीज़ फ़ीस है। उत्तराखंड OBC कैटेगरी की भी 172.30 फीस है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 82 रुपये यानी 82 रुपीज़ है। जो EWS कैटेगरी है उनके लिए भी 172 है। उत्तराखंड दिव्यांगजन जो है उनके लिए 22 रुपये हैं और जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। जो जो प्रेलिमिनरी एग्ज़ाम होगा यानी कि जो प्री होगा उसके लिए ये आपके क्या हैं मतलब कि परीक्षा केंद्र रहेंगे, आप अपना चेक कर सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट परीक्षा केंद्र हैं, आप इनको अपना देख के भर सकते हो अपने पास का जो भी आपका, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करोगे तो उसमें आपको भरना है। ये आपका जो है स्कीम है एग्जामिनेशन की, जो प्रारंभिक परीक्षा होगी इसका, यानी जो भी आपका पहला होगा उसमें प्रथम प्रश्न पत्र होगा और द्वितीय प्रश्न पत्र होगा। प्रथम प्रश्न पत्र में आपके सामान्य अध्ययन से रिलेटेड 150 मार्क क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के, और 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। और जो आपका यहाँ पे
सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा होगी जो सेकंड आपका एग्ज़ाम होगा। उसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का रहेगा, कुल 150 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटे का ही एग्ज़ाम होगा, यानी टोटल जो प्री है आपका वो 300 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे जो मेन एग्ज़ाम रहेगा उसके लिए आप चेक कर लीजिए, उसके लिए आपके ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें दिए हैं, तो आपको चूज़ करना है जब आप फॉर्म फिल करोगे जो भी सब्जेक्ट है। और जो टोटल इसके जो मार्क्स रहेंगे वो आपके 1500 रहेंगे, ठीक है। यानी कि आपका और जो इसमें थर्ड नंबर पे रहेगा, एक तो इसमें प्री हो गया, फिर मेंस एग्ज़ाम हो गया, फिर तीसरे नंबर पे आपका जो है इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के भी 150 मार्क्स रहेंगे। तो जो टोटल मार्क्स रहेंगे वो हो जाएंगे यहाँ पे 1650 मार्क्स। तो ये आपने देख लिया है, ये इसमें सिलेबस भी दिया गया है, आप अपना सिलेबस भी चेक ज़रूर कर लेना, इसमें सारा सिलेबस दिया गया है। और ये जो आपका डिटेल एडवर्टीजमेंट है ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे हमने लिंक दे दिया है। तो आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हो, आप 3 अप्रैल तक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये फॉर्म फिल कर सकते हो।